नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्यूडलिज्म। उस समय में इंडियन पॉलिटिक्स के क्या हालात चल रहे थे और इंडियन फ्यूडलिज्म और इंडियन फ्यूडलिज्म की डिबेट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पूरा कंसेप्ट है फ्यूडलिज्म का, ये यूरोपियन है नेचर में। इसमें होता यह है कि हेड में सबसे ऊपर ट्राइंगल के सबसे ऊपर एक किंग होता है, फिर नोबल्स होते हैं, फिर नाइट्स होते हैं, फिर पीजेंट्स होते हैं। पीजेंट्स खेती करते हैं, नाइट्स उनकी रक्षा करते हैं, फिर नोबल्स होते हैं, फिर किंग होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का, कार्ल मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो ये समझाते हैं कि जो ये पूरा मॉडल जो प्री मिडिवल इंडियन सोसाइटी है, ये एक स्टेगनेंट सोसाइटी है। इनके अनुसार इन्होंने इस एज को डार्क एज की संज्ञा भी दी है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, जैसे कि हम सब जानते हैं, कार्ल मार्क्स जो सोसाइटी को दो हिस्सों में बांटते हैं, हैव्स और हैव नॉट्स, जिनके पास है धन है और जिनके पास धन नहीं है, उनके बीच में कॉन्स्टेंट स्ट्रगल चलती रहती है, ऐसा वो कहते हैं। इस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल को वो क्लास स्ट्रगल कहते हैं। वो कहते हैं कि जो प्री कॉलोनियल एरा है, यानी कि अंग्रेज़ों से आने के पहले वाला जो एरा है, उसमें कोई भी लोग इतने ज़्यादा सेटिस्फैक्शन थे कि ये जो क्लास स्ट्रगल थी ये एब्सेंट थी, ये थी ही नहीं, और कोई वर्टिकल मोबिलिटी थी नहीं, जिसकी वजह से सोसाइटी स्टेगनेंट हो गई थी। जब सोसाइटी स्टेगनेंट हुई तो वहाँ की इकोनॉमी भी स्टेगनेंट हो गई, और इकोनॉमी स्टेगनेंट होने के कारण ये जो पूरा पीरियड है, जिस पूरे पीरियड में, इस पूरे एरा में हम कोई भी चेंज नहीं देखते, नो चेंज, हम इस पूरे पीरियड में कोई भी चेंज नहीं देखते, जिसकी वजह से इसे डार्क एज की संज्ञा दी जाती है। लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते। इंडियन हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं था, ऐसी कोई स्टेग्नेशन हमारे यहाँ नहीं थी। हाँ, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा था वैसे वैसे बदलाव आ रहे थे, लेकिन कोई स्टेग्नेशन नहीं थी। फर्स्ट इंडियन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो इसके बारे इंडियन फ्यूडलिज्म के बारे में रेफर करते हैं, वो है बी एन दत्ता। मुझे लगता है इंडियन फ्यूडलिज्म की डिबेट शुरू करने से पहले हम इंडियन फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंडियन फ्यूडलिज्म एक्चुअली था क्या। और मैं ये शुरू कर रही हूँ पेज नंबर 8 से, सेकेंड पैराग्राफ से। इंडियन फ्यूडलिज्म एक्चुअली हुआ ये कि जो गुप्ताओं के बाद का एरा है, गुप्ताओं के पतन के बाद का जो फ्रेज है, लेटर फ्रेज है, वहाँ फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन हो चुका था, और फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन होने के साथ साथ डीअर्बनाइजेशन भी हो रही थी। डीअर्बनाइजेशन के कारण ये लोग मॉनेटरी इश्यूज फेस कर रहे थे, पैसे से तंगी फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, जो उस समय के राजा थे उन लोगों ने अपने ऑफिसर्स को सैलरी के रूप में लैंड देने लगे, लैंड ग्रांट्स देने लगे सैलरी के तौर पे। पहले कैश देते थे, लेकिन अब इन लोगों ने क्या कर दिया, लैंड ग्रांट्स देना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसे की तंगी हो रही थी। जब इनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, उसके साथ साथ जो गारंटी होगा, मान लीजिए अगर ये मुझे ये ज़मीन लैंड ग्रांट के रूप में मिली है एक राजा से, तो इसके साथ साथ इस ज़मीन की जुडिशियल राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स और रिवेन्यू कलेक्शन के राइट्स सब मुझे मिल जाएंगे, तीनों चीज़ मुझे मिल जाएगी। इस ज़मीन पे मैं जिस भी तरीके से जुडिशरी कर सकती हूँ, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती हूँ, अपने तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती हूँ, ये सारे राइट गारंटी के पास चले जाते थे। पहले लैंड ग्रांट सिर्फ दो पर्पस से होते थे, एक तो रिलीजियस पर्पस से, दूसरा ब्राह्मण्स को दिए जाते थे। सिर्फ दो रूपों में लैंड ग्रांट्स होते थे, लेकिन अर्ली मिडिवल पीरियड तक आते आते होने ये लगा कि लैंड ग्रांट्स की जो संख्या थी ये बढ़ गई थी। इस लैंड ग्रांट्स की संख्या के बढ़ते ही कई सारे इम्प्लिकेशंस हुए, जिन्होंने पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को आगे जाके प्रभावित किया। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे प्रभाव किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इंडियन फ्यूडलिज्म की सबसे खास बात यह, इसका सबसे सिग्निफिकेंट फीचर यह है कि इसका उदय तब होता है जब सेक्युलर लैंड ग्रांट्स बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे लैंड ग्रांट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे चेंजेस होते रहेंगे सोसाइटी में।
होगा ये, पहले होता ये था कि पहले लैंड ग्रांट सिर्फ दो पर्पस से दिए जाते थे। 4th सेंचुरी में सिर्फ दो पर्पस से हम लैंड ग्रांट देख सकते हैं, रिलीजियस पर्पस से या फिर ब्राह्मण्स को दिए गए। लेकिन बाद में 13th सेंचुरी के आते आते लैंड ग्रांट्स की संख्या बढ़ गई थी। आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव में कई डिविजन्स बट गए एडमिनिस्ट्रेशन कई डिविजन्स में बट गया था, जैसे कि भुक्ति, विषय और विधि, इस तरीके से। साथ साथ जिसको लैंड ग्रांट मिलते थे उसके साथ साथ उसे बड़े बड़े टाइटल्स, राजपुत्र, महासमंत, सामंत, रंक, इस तरीके के टाइटल्स भी मिलने लगे। जो ये प्रोसेस था पूरे लैंड ग्रांट देने का, इसने एक नई हायरार्किकल लैंड एरिस्टोक्रेसी, हायरार्किकल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को जन्म दिया। हिंदी में से कहेंगे पद अनुक्रमित भूमिवादी अभिजात वर्ग, पद अनुक्रमित भूमिवादी अभिजात वर्ग। ये इनके इसको इन इस एरिस्टोक्रेसी को मिलते थे टाइटल्स जैसे कि सामंत, रनौक, रौत, इस तरीके के। किंग्स इनको जमीन देने के साथ साथ इन एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑब्लिगेशंस दोनों मिलते थे, जैसे कि इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी था और मिलिट्री ऑब्लिगेशंस भी थी। ऑब्लिगेशंस मैं आगे बताऊंगी कैसे। और इस जैसे कि ये अगर मान लीजिए ये जमीन मुझे मिली है तो इसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होंगे मुझे वो भी मिलेंगे, और इसके ऊपर एक मिलिट्री ऑब्लिगेशन भी होगा जो मुझे पूरा करना होगा। जो ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी ये किस किन किन लोगों से बनी हुई थी, तो ये बनी हुई थी स्टेट ऑफिशियल से, उन राजाओं को जिन राजाओं को राजा ने हराया था। जैसे कि मान लीजिए ए राजा है और बी राजा है, ए ने बी को हरा दिया, तो जो बी ये ए वाला राजा होगा बी के सबॉर्डिनेट में आ जाएगा और ये भी इस लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का हिस्सा बन जाएगा वो। और दूसरा ट्राइबल चीफ्स जो अभी अभी नई नई सोसाइटी में एंटर होना शुरू हुए हैं वो भी राजा के अंडर आ जाएंगे। इन सब की बनी हुई थी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। पहले इनकी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की पावर को कंट्रोल में रखने के लिए किंग स्पेशल ओकेजन में इन्हें अपने कोर्ट में बुलाते थे, इनसे रेगुलर बेसिस पे ट्रिब्यूट भी लेते थे, और इनको रेगुलर बेसिस पे ट्रिब्यूट के साथ साथ जब भी राजा मिलिट्री ऑब्लिगेशन को पूरा करना होता था। मिलिट्री ऑब्लिगेशन क्या, कि जब भी राजा को मदद चाहिए होगी मिलिट्री की तो ये और अपनी मिलिट्री की हेल्प उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। इस पीरियड में जो कंट्रोलिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो लैंड पे बेस्ड था, मतलब लैंड से ही पूरी आप सोसाइटी का हिस्सा बनते हो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनते हो। सॉरी, 12th सेंचुरी तक आते आते लैंड एरिस्टोक्रेसिक सिस्टम जो था वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुका था, और उस समय में जो के जो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि कई कैटेगरीज में बन चुकी थी। कैटेगरीज भी तो तभी बनेंगी ना जब सिस्टम अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हमें इस समय में देखने को मिलता है कि जो 12th सेंचुरी में जो सिस्टम था ये अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुका था। और एक लिस्ट दी जाती है कि महासामंत, महामंडल, मंडलेश्वर, समंत, मंडलिका, लघु संहिता, इस तरीके की अलग अलग कैटेगरीज बट गई थी। जो इस पीरियड के आने के प्रमुख प्रभाव पड़े थे वो सबसे ज्यादा पीजेंट्स पे पड़े थे। ऐसा क्यों, पीजेंट्स पे क्यों? क्योंकि उनके एक तो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ गया था, दूसरा उनके उनसे फोर्स लेबर कराई जाने लगी, सिचुएशंस इतनी खराब हो चुकी थी कि इनकी ना केवल इकोनॉमिक बर्डन और फोर्स लेबर करवाए जाने लगा, पहले जो इनके पास अपने लैंड राइट्स थे वो भी इनसे छिन गए थे। लैंड ग्रांट्स ने सिर्फ राजा को लोकल लोगों को ही नहीं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहला पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इस लैंड ग्रांट्स का ये हुआ कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, जो राजा की जो अथॉरिटी थी वो बढ़ चुकी थी। उसने क्या किया था, जब लैंड दिए थे उसके साथ साथ उसके पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री राइट्स भी भूमि के साथ दान में दे चुका था। आर एस शर्मा समझाते हैं हमें इस बात को कि ऐसा क्यों हुआ, लैंड ग्रांट्स क्यों दिए गए। लैंड ग्रांट्स दिए गए क्योंकि उस समय में मेटालिक करेंसी की कमी आ रही थी, जैसे मैंने आपको बताया ना पैसे की कमी हो रही थी, इसी वजह से तो सैलरी दे रहे थे। तो वो मेटालिक करेंसी की कमी के कारण चलते ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सैलरी के बजाय लैंड असाइन करने लग गए, जिसकी वजह से लैंड ग्रांट्स में बढ़ोतरी होती है। साथ ही इसके साथ साथ इनको टाइटल्स भी देने लगे। और फिर सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर इस समय का ये हुआ कि जो इंडियन फ्यूडलिज्म की पावर की वजह से ये हुआ
कि जो पावर्स थी उनको चेक रखने, उनके ऊपर नजर रखने वाला कोई था नहीं। पावर्स बांट तो दी, लेकिन उनको बांटने के बाद उनके ऊपर जो हेड अथॉरिटी होता है वो स्ट्रांग हो तो ये सारा सिस्टम चल सकता था। लेकिन ये जो हेड था इस, ये इनकी ढंग से नजर नहीं रख पा रहे थे। एब्सेंस ऑफ पैरामेंट पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ द स्टेट, सबसे बड़े फीचर्स यही थे। एक, कोई भी ऊपर राज ऊपर नजर रखने वाला था नहीं, और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन हो गई थी पॉलिटिकल पावर की, इकोनॉमिक पावर की। इकोनॉमिक पावर किसी और के हाथ में थी, पॉलिटिकल पावर किसी और के हाथ में थी। एक रेवेन्यू असाइनमेंट होता है जहां पर मान लीजिए अगर ये मेरी जमीन है और इसमें से एक भाग जब भी राजा मुझे कहेगा मुझे इसको देना होगा, तो इसे भाग कहा जाता था इस हिस्से को। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी में ही रहा, थ्योरी के उसमें थ्योरेटिकल नेचर में ही रहा, कभी भी इसने किंग ने इसको रिवोक नहीं किया, या कहा जा सके यूं कहें कि कभी इसको किंग ने इस पावर को एक्सरसाइज किया ही नहीं। लैंड जो थी हेरिडिटरी बन गई थी नेचर में, मतलब एक अगर बाप को मिला है लैंड लैंड ग्रांट के रूप में तो वो उसके बेटे को भी मिलेगा, फिर वो उसके बेटे को, फिर वो उसके बेटे को, हेरार्की में हेरार्किकल नेचर हो गया था, जिसके लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशन ये पड़े कि जो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट था उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और फाइनेंशियल पावर्स को खो दिया। तो इसके साथ साथ दो चीज़ें हुई, एक तो सेंटर में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थी उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को दी, दूसरा एक नई ऐसी लैंडेड इंटरमीडिएटरीज बने जिसके पास पावर भी थी, पैसा भी था, और फिर ऐसी सिचुएशन में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस समय की वो बदल गई। हेंस द पॉलिटिकली द अबव चेंजेस इन द डेवलपमेंट लेड टू द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ से डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डीडी कौशाम्बी, इनकी बुक 1956 में आई थी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इन्होंने अपनी किताब में एक कंसेप्ट समझाया था, फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव एंड फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो। फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव हम उसे कहेंगे जब फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव हम उसे कहेंगे जब जो फ्यूडल स्ट्रक्चर में किया गया है वो बाय स्टेट किया गया है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में जो भी किया गया है, फ्रॉम अबव वाले स्ट्रक्चर में जो भी किया गया है वो स्टेट की तरफ से किया गया है। कैसे? जैसे कि जो पावरफुल किंग्स थे उन्होंने अपने अंडर में जितने भी छोटे छोटे किंग्स थे, यानी कि अपने से ऊपर वाले किंग्स को टैक्स पे किया करते थे। जैसे मान लीजिए ये एक पावरफुल किंग है और इससे छोटे छोटे किंग्स हैं, तो ये छोटे छोटे किंग्स क्या करेंगे, इस वाले किंग को टैक्स पे किया करेंगे। और इससे इनके पास ऐसा क्यों, क्योंकि इनके पास इतनी पावर्स नहीं होती थी। ये अपने अपने एरिया में रूल तो कर रहे थे लेकिन इनके पास इतनी पावर नहीं थी जिससे कि ये इंडिपेंडेंट हो सके। लेकिन काफ़ी हद तक जो है इन्होंने अपने एरियाज को कंट्रोल और मैनेज कर रखा था। तो ये हो गया फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव और फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो। में जो कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स इस तरीके के थे जो धीरे धीरे लोअर लेवल से, यानी कि वेसल के लेवल से बढ़ते बढ़ते लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के उसमें स्ट्रक्चर में आ गए थे। जब इनके मौसम बदले, मौसम कब बदले इनके, जब लैंड ग्रांट्स दिए जाने लगे, जब लैंड ग्रांट्स की संख्या बढ़ती गई और इनको लैंड मिल गई तो इनके मौसम बदल गए। इसकी मदद से ये लैंड पर जो भी कलेक्शन करते थे, इस लैंड पे जो भी कलेक्शन करते थे वो अपने किंग को दे देते थे। तो डीडी कौशाम्बी यहाँ फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव और फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो समझाते हैं, जहाँ पर जो लैंड ग्रांट्स की वजह से है किंग अपने फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दोनों सबॉर्डिनेट चीफ्स को दे देता है। इसके साथ होता क्या है कि जो समाज में जो जितने भी अपर क्लास के लोग थे उनके पास सारी मिलिट्री और फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स चली जाती हैं। इनके इस थ्योरी ने एक नई डिबेट को जन्म दिया जिसमें पहले आइडियोलॉजिक पर और सोशल एस्पेक्ट पर दोनों तरीके से फ्यूडलिज्म को समझा जाने लगा। अकॉर्डिंग टू कौशाम्बी जो इंडियन फ्यूडलिज्म का फीचर था वो ये था कि जो सेंटर में पावर थी उसके डिक्लाइन होने के कारण जो लोकल एरिस्टोक्रेसीज थी उनकी पावर का जन्म हुआ, और फिर सेल्फ सफिशेंट विलेजेस का जन्म हुआ। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का जन्म हुआ क्योंकि ट्रेड का डिक्लाइन हो चुका था। और वो कहते हैं कि जब ट्रेड का डिक्लाइन हुआ तो लोग सिर्फ उतना ही उगा रहे थे जितना उनकी ज़रूरत थी,
सरप्लस में कुछ नहीं था, इसीलिए सेल्फ सफिशिएंट अर्बन डिक्लाइन देखने को हमें इस समय में मिलता है। सो इनकी इस व्यू को काफ़ी हिस्टोरियंस ने क्रिटिसाइज किया है। फिर बात करते हैं आर एस शर्मा की। आर एस शर्मा अपनी थ्योरी में बताते हैं कि जो ये फ्यूडलिज्म की शुरुआत स्टेट के एक्शन से ही होती है, जब इसकी शुरुआत स्टेट ही करता है, मतलब जब स्टेट ने इनको लैंड दी तभी, लैंड ग्रांट के रूप में लैंड दिया तभी से इसकी शुरुआत होती है। ये बताते हैं, इनका कहना है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के कमी के कारण की में गिरावट के कारण जो डिक्लाइन हुआ, उसके साथ साथ जो उस समय जो कॉइन्स में कमी आ रही थी उसकी वजह से इन्हें कैश की कमी के कारण इनको जो स्टेट को जो लैंड ग्रांट्स थे वो लोगों को देने पड़े, और एक नई इंटरमीडिएटरी का जन्म हुआ जो लोग जो किंग और लोगों के मतलब आम जनता के पीजेंट्स के और किंग के बीच में थी। ये इस इंटरमीडिएटरी इसको लैंड मिल जब लैंड मिली तो इस और लैंड मिली लैंड के साथ मिली तो मिली लैंड के साथ साथ जब जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी मिले तो ये जाहिर सी बात है ये लैंड इंटरमीडिएटरी इस किंग से ज़्यादा पावरफुल हो गई। और ऐसा स्टेट ने खुद किया है, ऐसा जो स्टेट स्ट्रक्चर था उसने खुद किया है ऐसा, ये अपने आप ज़बरदस्ती पावरफुल नहीं बने, इनको स्टेट ने ही इतना पावरफुल बना दिया था। आर एस शर्मा ने अपने भी अपने आइडियाज़ इंडियन फ्यूडलिज्म के बारे में बताए हैं। इन्होंने कहा है कि उनके अनुसार जो स्टेग्नेशन था और अर्बन डिके था इस ये पूरा आया था फ्यूडलिज्म के कारण, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का डिक्लाइन हो जाता है। और साथ साथ आर एस शर्मा ने अपने आइडियाज इंडियन फ्यूडलिज्म के बारे में आगे रखे हैं। उनके अनुसार ये जो पीरियड था उसमें स्टेग्नेशन और अर्बन डिके देखी जा सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस का इस समय में पतन हो गया था जिसकी वजह से शहर खत्म हो रहे थे, मतलब जो टाउन्स है उनका डिक्लाइन हो रहा था, अर्बन डिके हो रहा था, इस ट्रेड में कमी होने के कारण जो गिल्ड्स की संख्या थी उसमें भी गिरावट आने लगी। इसका रेफरेंस वो तब की लिटरेचर से लेते हैं, उस समय में जो लिटरेचर थी उससे इसका रेफरेंस लेते हैं और बताते हैं कि तब के जो व्यापारी वर्ग था वो शहरों से गांव की तरफ माइग्रेट करने लग गए थे। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो गोल्ड कॉइन्स या सिक्के थे उनमें भी गिरावट आ रही थी। इनकी इस थ्योरी को सपोर्ट किया है डीएन झा और बीएनएस यादव ने। डीएन झा और बीएनएस यादव ने आर एस शर्मा की काली एज थ्योरी सोशल क्राइसिस को भी सपोर्ट किया है। काली एज थ्योरी क्या होती है? काली एज थ्योरी होती है कि अर्ली मिडिवल इंडिया में जो शूद्र और वैश्या हैं इन्होंने अपने अपने जो सोशल ड्यूटीज इनको दी गई थी धर्मशास्त्र के अनुसार उनको मानने से मना कर दिया और ये सारे फार्मिंग की तरफ भाग गए, क्योंकि अर्बन डिके हो रहा था ना, अर्बन डिक्लाइन हो रहा था, शहरों में कुछ काम बचा नहीं तो लोग गांव की तरफ भागने लगे, गांव में क्या काम होगा, खेती होगी, तो सबने फार्मिंग करना शुरू कर दिया और इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, अपनी कास्ट से हटके अपनी सोशल ड्यूटीज को छोड़कर अपनी सोशल स्टेटस को छोड़कर सबने खेती करना शुरू कर दिया। और इन्होंने इसका एविडेंस उठाया है पुरानिक लिटरेचर में से, जहाँ पे ऐसी सोशल क्राइसिस के बारे में उन्होंने पहले एपिक्स में पहले ही हमें वॉर्न किया हुआ था। डीएन झा आर एस शर्मा की सारी बातों से सहमत नहीं है। उन्होंने अपनी बुक या कहें कलेक्शन ऑफ एसेज द इंडियन फ्यूडल ऑर्डर द स्टेट सोसाइटी एंड आइडियोलॉजी में इंडियन मिडिवल अर्ली मिडिवल इंडिया ने कल्चरल और आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस में फ्यूडलिज्म को समझाया है। डीएन झा ने भक्ति मूवमेंट्स को एक ब्राह्मणिकल डोमिनेशन का ही दूसरा रूप माना है। ज़्यादातर हिस्टोरियंस एक ऐसा पीरियड मानते हैं जिसे ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की थी, लेकिन डीएन झा का मानना यह है कि इस प्रोटेस्ट के थ्रू लोगों के दिमाग में एक कंसेप्ट डाला गया जिससे कि टोटल सरेंडर और सब्जुगेशन लोगों के अंदर आए, सरेंडर और सब्जुगेशन लोगों के अंडर आए और लॉयल्टी आई टूवर्ड्स द डेटी। भक्ति मूवमेंट में भी तो ये कहते हैं ना कि सरेंडर करो डेटी के आगे, सब्जुगेट कर दो डेटी के आगे, लॉयल्टी दिखाओ अपने डेटी के लिए। इसी सरेंडर और लॉयल्टी का फायदा जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने उठाया, इसी तरह से वो इसको भक्ति मूवमेंट की इन थ्योरीज को फ्यूडलिज्म से
रिलेट करते हैं, कौन? डीएन झा। वंशराय मुखिया ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन आर्य शर्मा का क्रिटिसाइज करते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और सवाल उठाए हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कैसे सबके लिए यूनिवर्सली कंसेप्ट यूनिवर्सल कंसेप्ट लगा दिए फ्यूडलिज्म का, वो हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है। क्या ये फ्यूडलिज्म एक जगह था ऐसा था, मान लीजिए ये वेस्ट में अगर ऐसा है, यूरोपियन फ्यूडलिज्म ऐसा है, तो क्या इंडियन फ्यूडलिज्म भी ऐसा ही होगा? तो उनका कहना था कि नहीं, उनकी सोसाइटी अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, उनकी इकोलॉजी अलग थी, हमारी इकोलॉजी अलग थी, उनका एग्रीकल्चर हाईली लेबर इंटेंसिव था, हमारा ऐसा नहीं था। तो इन्होंने कहा है कि ये जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आपने बना दिया फ्यूडलिज्म का, ये सेम टू सेम इंडिया के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। इन्होंने कई सारे एग्जांपल्स देकर बताया है कि जो ये फ्यूडलिज्म का वेरिएंट था हमारे यहाँ अलग है, उनके यहाँ अलग था, उनकी टेक्नोलॉजी अलग थी, उनकी प्रोडक्टिविटी अलग तरीके से होती थी, हमारे यहाँ अलग तरीके से होती थी। जैसे कि वो समझाते हैं, इसके बाद वो आर एस शर्मा के सामने सवाल उठाते हैं कि ये जो फ्यूडलिज्म का आपका कंसेप्ट है ये इंडिया पर लागू नहीं हो सकता। तो आर एस शर्मा की इस बात से ईगो हर्ट हो जाती है और फिर उन्होंने अपनी एक नई अपनी अपनी थ्योरी को दोबारा स्टडी किया और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए। उन्होंने एक पेपर निकाला, हाउ फ्यूडल वॉज इंडियन फ्यूडलिज्म। इसमें आर एस शर्मा ने कुछ न्यू एस्पेक्ट्स ऐड किए, जैसे पहले ये सिर्फ इकोनॉमिक और इकोनॉमिक उस पर बात करते थे, लेकिन अब इन्होंने इसमें सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी जोड़े। फिर आते हैं ब्रूटनस्टीन। ब्रूटनस्टीन की जो थ्योरी है वो मोर और लेस चोला से रिलेटेड है। उनका कहना है कि जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए जो सेंटर्स में पेरेफरी थी, जो सेंटर में पावर थी वो कुछ और थी, और जैसे जैसे दूर चले जाते थे इनकी पावर कुछ और हो जाती थी, यानी कि जो पावर थी वो सिर्फ सेंट्रल्स तक थी और पेरेफरीज में पावर चोला रूलर्स की नहीं थी। अगर मान लीजिए ये सेंटर है, ये कोर है चोला रूलर का, और ये दूर दूर जितने भी एरियाज हैं राज्य के, दूर दूर जितने भी एरियाज हैं, पेरेफरीज में पावर कुछ और थी चोला रूलर्स की। वहाँ इन जो सेंटर था वहाँ तो चोला रूलर डायरेक्टली रूल करते थे, लेकिन जो पेरिफेरल एरियाज आ जाती थी वहाँ कोई और रूल करता था और उसकी अपने एरिया में पावर ऐसी ही थी जैसे कि चोला किंग की होगी। इस बात को समझाते हुए वो ये कहना चाहते हैं कि जो चोला रूलर थे उनकी जो पावर थी वो रिचुअलिस्टिक थी, ना कि पॉलिटिकल अथॉरिटी थी। रिचुअलिस्टिक पावर के बारे रिचुअलिस्टिक का मतलब कहने का ये कि ये दिखावटी रूप से है, रिचुअलिस्टिक है, असलियत में पावर पूरी चोला एरिया में उनकी नहीं थी। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो उस समय में जो नाडूज थे वो किंग्स की तरह काम करते थे, जैसे कि मान लीजिए हर एक एरिया में एक ऐसा नाडू होगा जो अपने एरिया में किंग की तरह काम करता होगा। सिर्फ रिचुअलिस्टिक थी इनकी पावर, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी नहीं थी। इसका एग्जांपल हमें कहाँ से मिलता है? इंस्क्रिप्शन से मिलता है, ईओलॉजी से मिलता है, कॉपर प्लेट से मिलता है, टेंपल से मिलता है, लाइक राजा राजेश्वर टेंपल। और यहाँ पर जो एक वो बात समझाते हैं वो है ब्राह्मण पीजेंट अलायंस, इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इस पूरी थ्योरी में। सेगमेंट्री स्टेट, इस थ्योरी को कहा गया है सेगमेंट्री स्टेट थ्योरी, जिसमें जो पावर है वो सेगमेंट्स में बटी हुई है, राजा की जो पावर है वो सेगमेंट्स में बटी हुई है, मतलब अपने एरिया में तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन दूर दूर जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे उसकी पावर कम होती जाएगी। इस सेगमेंट्री स्टेट ऑफ थ्योरी सेगमेंट्री स्टेट की थ्योरी के सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज जो करते हैं वो है नॉन अलाइंड हिस्टोरियंस। नॉन अलाइंड हिस्टोरियंस कौन होते हैं? नॉन अलाइंड हिस्टोरियंस होते हैं जो कि ना फ्यूडल मोड के साथ जाना चाहते हैं ना सेगमेंट्री मॉडल के साथ जाना चाहते हैं। फ्यूडल मोड्स जो इन दोनों में किसी मोड के साथ नहीं जाते वो है नॉन अलाइंड हिस्टोरियंस, जैसे कि हरमन कुलके और बीडी चट्टोपाध्याय। सबसे पहले हरमन कुलके का कहना है कि जो कॉन्सेप्ट है रीजनल सॉवरेनिटी का ये इंडिया में पहली बार तो देखा नहीं गया, हमेशा से ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही रहा है इंडिया सिस्टम में। जैसे कि अगर अशोका का एग्जांपल लें तो अशोका की जो रीजनल सॉवरेनिटी थी अपने एरिया में वो कुछ और, वो कोर में तो स्ट्रांग थी
लेकिन दूर दूर तक आते रहते, पेरेफेरीज तक आते आते उसकी रीजनल सोवरेनिटी, पॉलिटिकल सोवरेनिटी कम होती चली जाती थी। और इंडियन इनका कहना था कि जिस हिसाब की पॉलिटी है इस पीरियड में, वहाँ अगर ऐसी इस आपके पास रीजनल सोवरेनिटी नहीं है तो आपका पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी नहीं हो सकती। अगर आप यहाँ पर सेंटर में पावर रिचुअलिस्टिक नहीं है तो आप पॉलिटिकल सोवरेनिटी की भी बात नहीं कर सकते। फिर दूसरा सवाल वो ये उठाते हैं कि जो ये ब्राह्मण अलायंस के ऊपर कहते हैं कि ब्राह्मण तो हमेशा से ही पीजेंट्स के एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं, तो पीजेंट्स अपना एक्सप्लॉयटेशन करवाने के लिए थोड़ी ना इनको वो कहेंगे कि अलायंस क्यों बनवाएंगे। अगर कोई अलायंस थी भी तो वो थी ब्राह्मण क्षत्रिय अलायंस, ब्राह्मण पीजेंट अलायंस जैसा कुछ नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय अलायंस थी जो कि दो अपर क्लास की जो कास्ट सिस्टम में जो अपर क्लास की जो कास्ट थी वो इकट्ठी हुई थी और पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन किया था, पीजेंट्स एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।